गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ अंडरलैंड पब्लिक स्कूल। टुडे डेट इज 6th August 2020। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर 6th चैप्टर, ओके, एंड द टॉपिक इज पेट्स। ओके, वी कीप सम एनिमल्स इन अवर होम्स, दिस एनिमल्स आर कॉल्ड पेट्स। मतलब कि कुछ एनिमल्स हम हमारे घर पर रखते हैं, उन एनिमल्स को पेट्स बोला जाता है। ओके, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स एंड पैरट्स आर सम ऑफ द पेट एनिमल्स डैट वी कीप। द देश नीड लव, केयर एंड जेंटल हैंडलिंग। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमारे घर पर रखते हैं, जिन्हें पेट्स बोला जाता है। ओके, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, पैरट्स, ये कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें हम घर पर रख सकते हैं। ओके, इन्हें लव एंड केयर की ज़रूरत होती है। ओके, केयर ऑफ डोमेस्टिक एंड पैट एनिमल्स, हम डोमेस्टिक एंड पैट एनिमल्स की कैसे केयर कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस, दे हेल्प अस अ लॉट, सो वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैम। मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए हमें उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ओके, फर्स्ट वी मस्ट कीप दैम प्रॉपर फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, दिस कीप्स दैम फिट एंड एक्टिव। मतलब कि हमेशा हमें उन्हें प्रॉपर फूड और क्लीन वाटर देना चाहिए, इससे वो फिट और एक्टिव रहेंगे। ओके, वी मस्ट कीप दैम इन प्रॉपर शेल्टर, और शेल्टर प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। वी शुड क्लीन देयर शेल्टर रेगुलरली। मतलब कि हमारे जो एनिमल्स है उन्हें हम प्रॉपर शेल्टर में रखना चाहिए। ओके, ये शेल्टर इन्हें हीट, कोल्ड और रेन से प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट मतलब कि बचाएगा। ओके, और हमें वो शेल्टर रेगुलर क्लीन करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वी मस्ट कीप अवर एनिमल्स क्लीन बाय गिविंग देम अ बाथ रेगुलरली। हमें उन एनिमल्स को रेगुलर क्लीन भी करना चाहिए प्रॉपर बाथ देके। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ व्हेन दे फॉल सिक वी मस्ट टेक देम टू अ वेटरनरी डॉक्टर। मतलब कि जब भी वो सिक हो जाते हैं, मतलब बीमार हो जाते हैं, तो हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ओके, वेटरनरी मतलब कि जो डॉक्टर एनिमल्स को देखते हैं उन्हें वेटरनरी डॉक्टर बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ पेट शुड बी ब्रश जेंटली टू रिमूव द डस्ट एंड लूज फर फ्रॉम देयर कोट्स। मतलब कि जो पेट एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर रेगुलर ब्रश करना चाहिए, जिससे उनके जो फर है उस पर जो डस्ट लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सिक्स वी मस्ट प्ले विथ अवर पेट्स रेगुलरली सो दे गेट इनफ एक्सरसाइज। मतलब कि हमें हमारे पेट के साथ रेगुलर प्ले करना चाहिए, इससे उनकी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके, सेवन एनिमल्स कैन नॉट टेल अस अबाउट देयर नीड्स, सो वी मस्ट लर्न टू फील फॉर देम। जो एनिमल्स है वो अपनी नीड्स खुद से नहीं बता सकते, इसलिए हमेशा हमें उनकी नीड्स को समझना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स, और हमेशा हमें एनिमल्स के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।